नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम बात करने वाले कलर ओएस के बारे में, जो कि नए नए अपडेट्स देता ही जा रहा है। अभी कलर ओएस 6.0.1 ओप्पो F7 के लिए मिला हुआ है, लेकिन अभी 6.7 आया हुआ है। लेकिन ये ओप्पो F7 के लिए नहीं है, मैं पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूँ, ये ओप्पो F7 के लिए नहीं मिल रहा है। इसमें डार्क मोड भी आया हुआ है। और अभी कलर ओएस 7 जो 20 नवंबर को इसका ऑफिशियल रिलीज भी होने वाला है चाइना में, तो इस पर मैं एक पहले वीडियो भी बना रखा हूँ इस वीडियो से पहले। तो मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ जो है कलर ओएस 7, ये कलर एंड्रॉइड क्यू के साथ आने वाले कि एंड्रॉइड 10 जो है उसके साथ ये मिलने वाला है कलर ओएस 7। और 6.7 भी जो उन्हीं को मिलने वाला है जिनको कलर ओएस मतलब एंड्रॉइड 10 का अपडेट मिलने वाला है। तो ये सब रेनो सीरीज को मिलने वाला है, जैसा रेनो 1, रेनो 2, रेनो 10 एक्स जूम और ये जो कुछ भी रेनो की सीरीज है उन सभी को जो है कलर ओएस 7 और एंड्रॉइड क्यू का अपडेट मिलने वाला है। लेकिन ये ओप्पो F7 में मिलने वाला नहीं है, अभी तक तो कोई भी न्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, F9 को मिल सकता है, ओप्पो F9 को, क्योंकि ये ओप्पो F7 के बाद में आया हुआ फ़ोन है और थोड़ा ओप्पो F7 से जो हायर है, इसलिए शायद इसमें मिल सकता है। लेकिन उसकी भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि ये ओप्पो F9 को देने वाले हैं या नहीं। लेकिन देखते हैं आगे वाले समय में क्या बताते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक ओप्पो F7 का कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन रेनो सीरीज को अभी मिला है। बाकी उसके अलावा ओप्पो के और किसी मोबाइल्स को ये अभी तक अपडेट मिला नहीं है, और ना ही रियलमी की। लेकिन रियलमी के लगभग सारे मॉडल्स को ये मिलने वाला है, रियलमी 1 से लेकर अभी तक जितने भी निकले हैं एक्सट्रीम XT वगैरह, उन सभी को जो है ये अपडेट मिल सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट मोबाइल सारे रियलमी के आए हुए और इनमें पहले से ही एंड्रॉयड 9 का भी बहुत को मिला है। अभी जो मैंने रियलमी 5 लिया था उसके अंदर एंड्रॉयड 9 है पहले से ही, तो एक बार तो अपडेट उसे मिलना जरूरी है। तो उसमें एंड्रॉयड क्यू 100% मिलेगा और कलर ओएस 6.1 के साथ वो पहले से ही आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो इसलिए उसके अंदर कलर ओएस 7 भी एक बार अपडेट आने वाला 100% है। तो इसीलिए कलर ओएस मतलब रियलमी के डिवाइसेस को ये तो मिलने वाला है, उसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन ओप्पो F7 को मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2018 में अप्रैल में आया था ये मोबाइल, तो शायद ही मिले F7 के लिए। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन ऐसे कोई अगर न्यूज आता है या लेटेस्ट कोई अपडेट आता है कि F7 को भी मिलने वाला है, तो मैं उस पर 100% वीडियो बना के इस चैनल पर डालूंगा। तब तक जो है मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर दिए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।